नमस्कार, मैं हूं रविकांत। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। कामा विधायक शिक्षा राज्य मंत्री जायदा खान ने किया पदभार ग्रहण। पदभार ग्रहण के दौरान सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे समर्थक। पीसीसी सदस्य जलीस खान सहित परिवार के सदस्य भी रहे मौजूद। पदभार ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री सहित कांग्रेसी आलाकमान का जताया आभार। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर मजबूत करना रहेगी पहली प्राथमिकता, जायदा खान। गांव गांव तक पहुंचाई जाएगी सरकार की जल कल्याणकारी योजनाएं। पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनी थी तब भी ली, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय सोनिया गांधी जी की, राहुल जी की, प्रियंका जी की, अजय माखन जी की और आदरणीय सीएम साहब कि उन्होंने मुझे शिक्षा के क्षेत्र दिया है और मुझे बीडी कल्ला साहब के साथ अटैच किया है। मुझे उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम, ऐसी एसटी जो परंपरागत वोट बैंक है उनको अच्छा कैबिनेट रैंक दिया, अच्छा पोर्टफोलियो दिया है। अल्पसंख्यक भी हमेशा से कांग्रेस को वोट कास्ट करता है, लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा वजनदार नहीं दिए गए। नहीं, ये तो आप कह सकते हो, मैं तो नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे ख्याल से एजुकेशन में जितनी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है इतनी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो हमेशा कहती रही हूँ एजुकेशन, और उसमें भी खास तौर से गर्ल्स एजुकेशन अगर हमारे आ जाए तो हमारी पीढ़ियाँ सुधर जाएगी। मैडम, पूर्वी राजस्थान जिस तरीके से जहाँ से आप आती हैं वहाँ जिस तरीके से ज़्यादा मेजोरिटी में लोग शामिल किए गए हैं, आप लगता है जो आपका कोर वोट था, कांग्रेस का कोर वोट था, उसका ध्यान रखा गया है? नहीं, वो तो बिल्कुल रखा गया, रखा जाना भी चाहिए था। आपकी तरफ से एक बयान आया था कि अच्छे पद मिलने चाहिए और प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, थोड़ी सी कमी रही। नहीं, मैं तो ये कहा था कि खाली अगर महिला है तो महिला बाल विकास क्यों दिया जाता है, और अगर हम माइनॉरिटी से हैं तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट प्लस वक्फ ही हमारे लिए क्यों सोचा जाता है। और है भी सही बात, क्या हम और किसी फील्ड में कुछ और अच्छा नहीं कर सकते? शायद इसीलिए मुझे आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया है। और जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात है, हमेशा तीन रहे थे और वो कमी हमारी पूरी हो गई है दानिश अबरार जी को बना एडवाइस। भरतपुर को चार चार मंत्री मिल गए, दो कैबिनेट, दो राज्य मंत्री और दो संसदीय सचिव बन जाएंगे जल्दी। बहुत अच्छी बात है। भरतपुर ने 100% दिया है, भरतपुर को वापस मिल रहा है। विभाग के लिए क्या प्रायोरिटी रहने वाली है जी? विभाग में अपनी क्या प्रायोरिटी रहने वाली? सबसे ज्यादा यही है कि जो सीएम साहब की योजनाएं हैं वो प्रॉपरली डिलीवर हो। और एक हमारी ये रहेगी कि जो टीचर्स का है वो ग्रामीण क्षेत्र में कम है, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। हम उनको बैलेंस करना चाहेंगे क्योंकि ग्रामीणों को ही ज़्यादा दिक्कत आती है पढ़ाई, शहर में तो आप प्राइवेट में भी भेज देते हैं। टीचर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा ऑब्वियसली, अगर पढ़ाई का डिपार्टमेंट मिला है शिक्षा का तो टीचर्स ही मेन है। लेकिन टीचर्स की समस्या तो नहीं, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे, एक तरफा कोई बात नहीं होती है। जो उनकी दिक्कतें वो भी सुनेंगे, जो आम